आजकल हमारे देश में, समाज में, राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे मन में आता है कि क्या मैं इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ, क्या मैं कुछ सकारात्मक सुधार कर सकता हूँ। बेशक अलग अलग व्यक्तियों के हौसलों और इरादों में अंतर होता है, सभी के हौसले इरादे एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक बात की समानता जरूर है कि हम सभी के मन में ये इच्छा कहीं ना कहीं जरूर दबी रहती है कि मैं देश में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल कैसे करूँगा, क्या मेरी उसमें कुछ भूमिका हो सकती है ना। यही पर सिविल सर्विसेज का महत्व बढ़ जाता है। सिविल सेवा वास्तव में हमारे मन में दबी हुई इसी इच्छा को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करता है, एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। निश्चित रूप से भौगोलिक क्षेत्र छोटा हो सकता है, एक जिला स्तर का हो सकता है, एक तहसील स्तर का हो सकता है, लेकिन देश के हजारों युवाओं की दबी इच्छाओं को, जो कि देश के लिए है, पूरा करने का एक अवसर जरूर प्राप्त होता है, वो है सिविल सेवा। तो सोचते तो सभी हैं, कभी न कभी सभी के दिमाग में एक बात आया था, आप सभी से बात करिए तो पास में पड़ोस में सभी कहेंगे कि हाँ एक बार मैंने सोचा था, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। कभी परिस्थिति के नाम पर, कभी अपनी आर्थिक तंगी के नाम पर, कभी अपनी लाचारी के नाम पर, कभी दिमाग में रोज नए नए ख्याल आने के नाम पर। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो विचार आते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, हर पल हमारे विचार बदल जाते हैं, हम आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोचने लगते हैं। बदलते विचार हमारे आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो अगर आप अपने विचारों पर कायम रह सकते हैं और सिविल सेवक बनकर देश और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भूमिका अदा करना चाहते हैं दृढ़ होकर, तो मैं आपको एक मार्ग प्रदान कर सकता हूं। किसी भी बदलाव की शुरुआत आपसे होती है, हमसे होती है, हमारे स्वयं से होती है ना। आपको अपने विचार पर कायम रखना होगा, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए अपने निर्णय पर अडिग रहना होगा, अपने निर्णय को बदलना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा सभी कठिनाई आती है हम अपना निर्णय बदल देते हैं। 2020 की यूपी पीसीएस परीक्षा आप सभी के लिए एक सुअवसर है। बहुत से लोग इसे कठिनाई मानते हैं कि कैसे होगा, पास हो पाएगा या नहीं, मुख्य परीक्षा बाद में देख लेंगे, पहले प्रीलिम में ही फेल हो जाऊंगा। ये डर हमें बढ़ने नहीं देता है, हम पर हावी रहता है, हमारे मार्ग में रुकावट बनता है, वो जो डर होता है। मुख्य परीक्षा की तैयारी बाद में देखेंगे, पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम की कर लेते हैं। ये एक डर है, ये डर पहले ही डिसाइड कर देता है कि आप मुख्य परीक्षा नहीं देने वाले हैं, और किसी तरह से ऐसे तैसे आप अगर दे भी देते हैं तो मुख्य परीक्षा पास होने से रही। क्यों? क्योंकि आपके इरादे मुख्य परीक्षा तक गए ही नहीं, आपके इरादे प्रारंभिक परीक्षा तक ही रुके रहे। अप्रैल में परीक्षा का फॉर्म आ जाएगा, वैकेंसी आ रही है अप्रैल महीने में, अप्रैल में जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद 21 जून को एग्जाम होगा, यानी वैकेंसी तो अप्रैल में आएगी, उसके बाद दोहराने का समय होगा, तैयारी करने का समय नहीं होगा जब आप फॉर्म भर देंगे तो, है ना। अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं अभी से। इसी बात को ध्यान में रखकर 5 मार्च से मैं एक ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा हूं, 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपको डेली 7 कक्षाएं दी जाएंगी, प्रत्येक दिन 7 कक्षाएं दी जाएंगी। 4 कक्षाएं प्रीलिम परीक्षा के हिसाब से होंगी और 3 कक्षाएं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिहाज से होंगी, यानी एक साथ आप प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं की तैयारी हमारे साथ शुरू कर देंगे। डेली 6-7 घंटे आपको क्लासेस मिलेंगी, वीकेंड में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा में दम है, आपकी इरादे बुलंद हैं, तो आप मुझ पर नहीं स्वयं पर विश्वास करके देखिए। हम जिस पद्धति और तकनीक से अपने बैच को आजकल लॉन्च कर रहे हैं, एक बैच हमने बनाया भी है, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि लगभग 1200 से अधिक छात्र छात्रा 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ था उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो 1 महीना पुराना बैच हो गया है इसलिए 5 मार्च से हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। हम लगातार ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपनी तकनीकी दक्षता को मजबूत कर रहे हैं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें, अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, न केवल अध्यापकों की टीम बल्कि कर्मचारियों की टीम। आपके लिए हमने कस्टमर केयर ओपन किया है, जो भी बैच में शामिल हो रहे हैं उनसे आप पूछिए, सबके लिए कस्टमर केयर है। 6-7 घंटे के अंदर किसी भी तरह की समस्या का समाधान हम करते हैं, बहुत ही मिनिमम शुल्क में। हम एजुकेशन में वो सेवा प्रदान कर रहे हैं जो कि बहुत महंगी फीस लेकर भी बड़े बड़े संस्थान आजकल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बैच को कैसे हम संपादित करते हैं आपको हम एक बार दिखा दें। ये देखिए हमारा प्रीकम मेंस, जब हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे, जब आप फीस पे कर लेंगे, बहुत ही मामूली सी शुल्क है, फी पे करके आप हमें रसीद भेजें तो आपको हम लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री प्री, पॉलिटी प्रीलिम की कक्षा, ज्योग्राफी प्रीलिम की कक्षा, देखिए 2 सेक्शन है, वॉच नाउ डाउनलोड पीडीएफ। आप हिस्ट्री का
वीडियोस भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिटिक भी देख सकते हैं पीडीएफ, इसी तरह ज्योग्राफी की भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, सब कुछ आपके हाथ में रहता है। इसी तरह से देखिए साइंस का भी प्रीलिम के लिए क्लास चल रहा है, यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है। तो इस तरह से आप देखिए मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से हम पिछले बैचेस की क्लासेस आपको दिखा रहे हैं, वॉच नाउ, पीडीएफ, मुख्य परीक्षा के लिए इकोनॉमी, मुख्य परीक्षा के लिए पॉलिटी, मुख्य परीक्षा के लिए एथिक्स और करंट अफेयर्स रवि पी तिवारी जी द्वारा चलाया जा रहा है। यानी एक दिन में आप इसे काउंट करें तो कुल आप देखेंगे कि लगभग 7 क्लासेस डेली दी जा रही हैं। 5 मार्च से हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें सब कुछ शुरू से शुरू किया जाएगा, प्रत्येक दिन कोई पुरानी क्लास नहीं भेजने का इरादा है, सब कुछ नई क्लास होगी, नई नोट्स होगी। समय कम है प्रारंभिक परीक्षा में, आज से लेकर 3 महीना 20 दिन बचा हुआ है, 21 जून को प्रारंभिक परीक्षा है, 3 महीना 20 दिन बचा हुआ है। मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर को है, उसमें बहुत बढ़िया समय मिला हुआ है, एकदम कोर टाइम है ये, 7 महीना 20 दिन 15 दिन, मुख्य परीक्षा में 7 महीना 15 दिन का समय बचा हुआ है। हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करा रहे हैं। इसमें प्रवेश आप 5 तारीख तक ले सकते हैं, 5 मार्च से पहले आप एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन लेने का तरीका बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, बस एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे आप हमें एंट्री UPPCS लिखकर भेज दीजिए, इसी नंबर पर एंट्री UPPCS 9918000454, है ना, इस नंबर पर एंट्री UPPCS लिखकर जैसे ही आप भेजेंगे हमारी टीम आपको एडमिशन की प्रोसेस बताएगी। आज का दिन बीत गया, कल काफ़ी बीत जाएगा, परसों काफ़ी बीत जाएगा, रोज़ रोज़ बीता चला जा रहा है, हम अपने लिए ही नहीं देश समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। 5 मार्च से बैच प्रारंभ हो रहा है, इसे छोड़िएगा मत। नमस्कार।